आज देखिए बहुत ही आज बहुत ही पसंदीदा का दिन है कि विश्व युवा कौशल दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा आह्वान करते हैं कि देश युवाओं का देश है और युवाओं को ही देश की प्रगति में साधक बनना है, योजनाबद्ध तरीके से आगे चलना है और उसमें हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास वो अहम भूमिका निभा रहा है, वो निभा सकता है। तो युवाओं को कैसे स्किल करें, युवाओं कैसे आगे बढ़ाएं, तो प्रत्येक क्षेत्र में हमारे एग्जीक्यूटिव के VC भाई साथ हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, इन्होंने भी कृषि अनुसंधान केंद्र के गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, इन्होंने भी युवाओं को अलग अलग प्रकार से कैसे स्किल फील्ड में हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आज बहुत बड़ा फील्ड है, ई एग्रीकल्चर जो धान हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, चावल हो, इसके अलावा केला हो, अंगूर हो, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उन सब में युवाओं को स्किल हम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा विशेष रूप से टाटा के साथ MOU हुआ तो टाटा में 11 ट्रेड के साथ हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसमें हमारा ई व्हीकल्स है, जिसमें हमारा 3D प्रिंटिंग है, जिसमें हमारा सोलर है, ऐसे सेक्टर के अंदर भी युवाओं को हम स्किल करने का काम कर रहे हैं। अपार संभावनाएं युवाओं को स्किल्ड करके आगे बढ़ाने की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको हिंदुस्तान की डेवलप करनी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमारे विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे विभाग से युवा स्किल्ड होकर के अपने आप को स्वावलंबी बनाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ हमें फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज का भी हमने किया है, क्योंकि विदेशों में अगर व्यापार करना है, काम करना है, जॉब करनी है, या हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जिनका टाइप विदेशों से, जापान से, चाइना से, इसराइल से होता है, तो उनमें भी हमारी विदेशी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो उनका भी प्रशिक्षण हमारे विभाग के द्वारा लगातार हो रहा है। तो हमको लगता है कि हमारा विभाग एक शानदार उपलब्धि के साथ, शानदार परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। युवाओं को हम प्रशिक्षित करने का काम करेंगे और जो जो इसके अंदर गैप आएंगे, स्किल गैप, एक विषय और भी है कि इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री कैसे युवाओं को चाहती है, कैसा उनको मैन पावर चाहिए, वैसे ही ट्रेनिंग देने का हम बच्चों को काम करते हैं। तो मुझको लगता है आज का ये शानदार दिवस है, मैं सभी युवाओं को आज के दिवस पर, विश्व युवा स्किल डे पर, बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमें विभाग के साथ जुड़ करके अपने आप को स्किल्ड करें। यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटेक्निक में, सब जगह हमारा विभाग काम कर रहा है। सभी को आज के दिवस की बधाई। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।